सो वेलकम बैक स्टूडेंट टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स क्लास 10th। यहाँ पे हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स के बारे में। आखिर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, यहाँ पे कोऑर्डिनेट यानी जुड़ाव का मतलब क्या होता है इसके बारे में। उसके बाद बेसिक्स पढ़ने के बाद देखेंगे कि क्लास 10th के सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है क्या, क्योंकि क्लास 9th में तो देखे थे आप सिंपल बेसिक था, उस बेसिक्स को भी इस लेक्चर में समझेंगे। और इसके तीन पार्ट, इसको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्लास 10th का, इसको हम लोग तीन पार्ट में पढ़ेंगे। उस तीन पार्ट का एक पार्ट हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए, बेसिक जानने से पहले, वैसे तो आपको थोड़ा मोड़ा पता ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। इसमें हमारे पास तीन पार्ट है। पहला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे भी, अगर हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसका काम पड़ता है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्स वाई एक्सिस वाले के, तो उसमें हम लोग के पास तीन चीज़ होता है, ठीक है। पहला चीज़ है कि कहीं पे अगर दो पॉइंट दिया हो उसके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। पहला चीज़ हमारा यही है, बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, किसी दो पॉइंट कोई कहीं भी रहे, आपको सिंपल डिस्टेंस निकालना आता है। जैसे यहाँ पे है तो इसको आप आराम से मेजर कर सकते हैं बिना मेजर किए हुए। यहाँ पे है, ये टू पे है, ये थ्री पे है, तो इस दोनों के बीच में 3-2 1 होता है, ऊपर गिरने आता है। पर जब कहीं पे बीच में है कोऑर्डिनेट, बीच में पॉइंट है, तो उसके बीच में कैसे निकालेंगे, तो पहला यही चीज़ है हम लोग को देखना है। इसके बाद में हम लोग इसी लेक्चर में बात करेंगे। दूसरा चीज़ जो हम लोग को जानना है यहाँ पे वो क्या है, तो वो है कि जब कोई लाइन को कोई दूसरा लाइन सेगमेंट कट कर देता है, ठीक है, किसी खास रेशियो में, वो कट कर सकता है, हो सकता है मिड पॉइंट से ही, मतलब हाफ हाफ में कट कर दे, या हो सकता है रेशियो 1:2 हो, ठीक है, या रेशियो हो सकता है 2:3 हो, मतलब कुछ में अगर काट दे, उस कंडीशन में इस पॉइंट का जो उसको काट रहा है उसका कोऑर्डिनेट निकालें, ठीक। तो दूसरा हम लोग ये पढ़ने वाले हैं जिसको सेक्शन फार्मूला के नाम से हम लोग जानेंगे। तो फाइंडिंग क्या कोऑर्डिनेट यानी समझते होंगे, पॉइंट जो होता है, पॉइंट का लोकेशन वही कोऑर्डिनेट कहलाता है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन, जो डिवाइड करेगा किसी लाइन सेगमेंट को, विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट को जो कि दो पॉइंट से बना रहेगा, ठीक। तीसरा चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, बाय यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी आपको तीन पॉइंट दिया रहेगा, अब इससे एक ट्रायंगल बनेगा, अब इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना रहेगा बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स पे। तो पहले आपको ध्यान देना होगा इस वर्ड पे, आखिर ये कोऑर्डिनेट है क्यों, कोऑर्डिनेट मतलब होता है कोई चीज़ का जुड़ना, क्या यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये कोऑर्डिनेट में दो पार्ट है, रियली में है अलजेब्रा और ज्योमेट्री का मिक्सर है, ठीक है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री जो है वो दोनों मिल के कोऑर्डिनेट में हम लोग देखते हैं ना, एक्स वाई सब यूज होता है, एक्स वाई रियली में आया कहाँ से है, तो एक्स वाई सब आया अलजेब्रा से। अलजेब्रा में हम लोग बात किस करते हैं, वेरिएबल चीज की। ज्योमेट्री में किसकी बात करते हैं, ज्योमेट्री में लोग फिगर्स की बात करते हैं, यहाँ पे लाइन सेगमेंट, चाहे यही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जिसको एक्स वाई एक्सिस बोलते हैं, ये सब किसी बात होता है ज्योमेट्री का। तो यानी आप जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो वो एक तरह का क्या है, ज्योमेट्री है, ठीक है, ज्योमेट्री है, नाम से पता चला ज्योमेट्री, जो मदद किसका लेता है, अलजेब्रा का। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का या टूल है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वी स्टडी अबाउट ज्योमेट्री, नाम से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वी स्टडी अबाउट ज्योमेट्री बाय यूज ऑफ अलजेब्रा, वी स्टडी अबाउट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, उसके फिगर्स, लाइन सेगमेंट, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में पढ़ते हैं बाय यूज ऑफ अलजेब्रा। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है हमारे डेली लाइफ में। आप तो जानते ही हैं कि पॉइंट्स से हम लोग लोकेशन पता कर सकते हैं, तो यस, लोकेशन हम लोग पता कर सकते हैं। आज जो आप मैप यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल में या दूसरे जगह कोऑर्डिनेट मैच करने के लिए, वहाँ पे भी दूसरे जगह भी मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेजरमेंट में कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको होगा कि इसका कहाँ यूज होने वाला है, तो इसका भी यूज होने वाला है। मान लीजिए कि एक जगह है, एक गाँव है ये, और एक गाँव ये है ये, एक वाटर पंप बनाना है जो इस दोनों के जस्ट बीच में हो, वहाँ पे आपको ये सेक्शन फार्मूला काम आ जाएगा जो कि है ये वाला। तो इस सब चीज़ों का बहुत जरूरत होगा। चलिए कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं। पहला चीज कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल को लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस का नाम देते हैं। मैं एकदम बेसिक शुरुआत कर रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ आए। हाँ, सब कुछ लिखूंगा नहीं, थोड़ा बता दूंगा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो हॉरिजॉन्टल लाइन के, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन,
ठीक इसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री पे होता है, तो वर्टिकल लाइन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। अब चूंकि ये लाइन है तो कहीं कितने तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये अगर एक लाइन है तो राइट की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव, राइट को अच्छा माना जाता है, तो इधर पॉजिटिव और इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर्स हम लोग दिखाएंगे। ऊपर में ऊपर अच्छा होता है इसलिए पॉजिटिव, और नीचे अच्छा नहीं होता है, बुरा होता है तो निगेटिव, नीचे जाना अच्छी बात नहीं है तो निगेटिव, ये सब चीज़। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ का पेयर है, पेयर मतलब समझते हैं ना, जोड़ा, दो, तो पेयर है किसी भी दो चीज़ का एक फिक्स्ड ऑर्डर में, एक फिक्स्ड ऑर्डर में, जी हाँ, नाम से ही पता चला ऑर्डर्ड पेयर, मतलब पेयर इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। जैसे हम लिखे हैं 2 3 तो इसका अपना अलग मतलब है, और 3 2 इसका अपना अलग मतलब है, ये दोनों सेम नहीं है। इसमें जो डिजिट लिखे हुए 2 3 वो दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों ऑर्डर अलग अलग है। तो ये सिंपली मीन्स कि पेयर ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट इन फिक्स्ड ऑर्डर, पेयर ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट, किसी भी दो ऑब्जेक्ट का ऑर्डर पेयर लेते हैं हम जब इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, तो उसी को क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। चलिए ये सब आपको पता है, मुझे उम्मीद है। तीसरा चीज जो आपको इम्पोर्टेंट है वो है लोकेशन ऑफ पॉइंट, लोकेट करने के लिए पॉइंट को लोकेट करने आपको आता है, तो लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट, ऑन कोऑर्डिनेट, लोकेशन ऑफ पॉइंट, जिसको पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑन प्लेन, और ये प्लेन को जिस पे ग्राफ बनाते हैं इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोला जाता है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। तो इस प्लेन को जहाँ पे एक्स वाई सब रहता है इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अब ये दोनों जब लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये चार इक्वल पार्ट बन जाता है, ये चार पार्ट्स हो गए, इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की खासियत क्या रहता है कि इधर एक्स एक्सिस भी, यहाँ मैं एक्स लिख रहा हूँ, यहाँ एक्स डैश, ये ओरिजिन होता है जहाँ से जन्म होता है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक। अब देखिए एक्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या खासियत है, क्वाड समझते ना, चार, ठीक है, रेंट मतलब रूम, तो चार रूम बन गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का खासियत ये है कि इसमें ऐसे पॉइंट होंगे जिसमें एक्स भी पॉजिटिव हो, और इस ऑर्डर पेयर में पहला जो होता है वो होता है एक्स, दूसरा जो होता है वो होता है वाई, वाई क्या एक्स एड्रेस है, यानी कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट है, एक एड्रेस के रूप में आप कोऑर्डिनेट को देख सकते हैं। पॉइंट का यूज ही क्या है, पॉइंट का यूज है लोकेशन खोजने के लिए। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट खासियत क्या है कि इसमें ऐसा पॉइंट होगा जिसका एक्स वाला यानी फर्स्ट वाला मेंबर भी पॉजिटिव हो, सेकंड वाला भी पॉजिटिव हो, ठीक। इसमें क्या होगा, तो इसमें देख रहे हैं आप एक्स कैसा होने वाला है, तो इधर जब हम लोकेट करेंगे जैसे माइनस टू थ्री, यहाँ पे एक्स कैसा होने वाला है, तो एक्स होने वाला हमारा निगेटिव, तो माइनस ए बी, जनरल मैं लिख रहा हूँ। उसी तरह से इसमें, इसमें एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव हो जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं एक्स पॉजिटिव होता है लेकिन वाई निगेटिव होते हैं, इस सब के बारे में। उसके बाद हम लोग देखे थे एक बेसिक में कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑन वाई एक्सिस, ऑफ ए लाइन ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे अगर कोई लाइन है, ठीक, कोई पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ पॉइंट समझ लीजिए, पॉइंट इक्वेशन हटाइए, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, कोई पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे है यानी इस पे है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वाई का कोई वैल्यू है लेकिन एक्स का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि ये एक्स का वैल्यू रहता तो थोड़ा बीच में रहता। यहाँ पे क्या मतलब है, इस पॉइंट का एड्रेस क्या होगा, इस पॉइंट का एड्रेस मुझे उम्मीद है आपको निकालना आता है, यहाँ पे अगर ये 2 है तो y पे तो 2 है और x पे कितना है, x पे तो 0 है, ठीक है, लोकेशन तो आपको निकालने आता है, जैसे 2 3 को लोकेट करना है तो x पे 2 जाते हैं, y पे 3 जाते हैं, दोनों जहां पे मिलता है तो उस पे 2 3 होता है। उल्टा भी आ सकते हैं कि ये पॉइंट दिया हुआ है तो यहां से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं x एक्सिस पे, जितना होता है वो किसका, वो 2 हो गया, और इधर जितना हुआ वो 3 हो गया, तो इस तरह से। तो हम लोग को अगर पॉइंट खोजना है वाई एक्सिस पे तो इस कंडीशन में एक्स जो होता है वो 0 होता है, वही अगर पॉइंट हो एक्स एक्सिस पे, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो इस कंडीशन में इक्वेशन जो है एक्स एक्सिस पे यानी वाई 0 होता है, ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं, ओके। एक क्वेश्चन आता था क्लास 9th में जो बच्चे को कंफ्यूज करता था, वो था डिस्टेंस पूछने वाला, ठीक है, मुझे उम्मीद है ये सब आपको समझ आ रहा है, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि हम 9th का सिलेबस है, मैं चाहता हूँ 10 मिनट के अंदर सब कुछ हो जाए। एक आता था कि डिस्टेंस निकालना, अगर ये एक पॉइंट है इसका डिस्टेंस निकालना, ठीक, तो एक निकलता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये है ना एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस निकलता है वो रियली में होता क्या है, वो रियली में वाई का वैल्यू होता है, ठीक, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वो रियली में वैल्यू किसका है, वाई का, ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ये किसका वैल्यू है, ये इतना किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा ना, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस रियली में होता क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर हमको ये चीज समझना है, लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हैं तो ये किसके इक्वल होने वाला है, ये इसके इक्वल ना, यानी वाई के इक्वल, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब वैल्यू ऑफ वाई, ठीक, और इसको रटना नहीं है आपको, सिंपली देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से डिस्टर्बेंस हो, डिस्टेंस निकालना हो तो वो किसके बराबर होता है, वैल्यू ऑफ एक्स के बराबर, सिंपली। जैसे तो एक मैं एग्जांपल दिखा दूं, ये अगर 2 3 है
तो इस कंसेप्ट में अगर हमको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस ये है, तो इससे अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये कितना है, ये 2 है कि 3 है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे 2 3 का मतलब क्या है कि इधर आए हैं 2 और इधर आए हैं 3, ठीक है, तभी ना एक्स पे 2, तो एक्स पे ये है 2 और ये यहाँ 3 है। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है क्या चीज़, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है, और ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा क्या, क्योंकि ये तो एक रेक्टेंगल के जैसा लगा, तो हाँ होगा, सब 90 है तो ये रेक्टेंगल है, यानी ये कितना हो जाएगा 3। और यही डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछता, मतलब आपको कौन पूछ रहा है, ये वाला, और ये वाला किसके इक्वल होने वाला, ये वाला इसके, यानी ये हो जाएगा 2। तो ये चीज मैं बता रहा था। अब एक्स कोऑर्डिनेट जो है, ठीक है, यही जो आपको वैल्यू ऑफ एक्स आया है, तो एक्स कोऑर्डिनेट बोलिए, वैल्यू ऑफ एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट बोलिए, या इसी को एबसीसा भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, एबसीसा, ठीक है। ये है क्या, ये सिंपली है वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। और यही हमको अगर करना है वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट का भी अपना एक नाम है, वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, हाँ ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, और एक्स को एबसीसा, एक्स पहले आता है इसलिए याद रख लीजिए, एक्स पहले है तो उसे ए एबसीसा, ठीक। अब तो ये बात हुई, अब हम लोग आते हैं अपने जो 10th का सिलेबस है उस पर, वो क्या है, वो है डिस्टेंस निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, डिस्टेंस कुछ देखते हैं और उस हिसाब से डिस्टेंस को जज करते हैं। तो पहला केस जो आता है, हम लोग इसका बात करने वाले हैं, डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं डिस्टेंस, और एक फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं जिसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इसको हम डिस्टेंस फार्मूला के नाम से नाम देंगे इसको, डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए हमको अगर ग्राफ पे या सिंपली यहाँ पे एक लाइन से ही बात करते हैं, इस लाइन पे यहाँ पे 0, 1, 2, 3 है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, इसके बीच में और यहाँ -1 है, ओके। लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी आपको पता होगा, कभी भी लंबाई तो आप ये नहीं सुनेंगे कि इस लड़का का लंबाई तो -3 फुट है, ऐसा नहीं ना होता है, तो लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस भी तो लेंथ ही है, तो डिस्टेंस भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही। तो अगर यहाँ से ये एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको अगर डिस्टेंस निकालना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से एक स्टेप लेंगे, फिर एक स्टेप लेंगे, फिर एक स्टेप, फिर एक स्टेप, तो अगर हर एक एक स्टेप के बराबर है और एक सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हमारे पास तरीका भी है कि बी में से एक को घटा दो, जैसे 3 -1, ठीक है, बी का जो लोकेशन है उसमें से एक का लोकेशन घटा दो, कितना आ जाएगा, 3 -1, 4। तो ऐसा कंडीशन, उसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन हो, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, तो उस कंडीशन में आराम से निकल जाता है सिंपली सबट्रैक्ट करके। वैसे ही अगर ये ग्राफ पे ही रहता, इस दोनों को कोऑर्डिनेट कर दीजिए, ग्राफ पे रहता, उस कंडीशन में भी सिंपली निकल जाता, या तो सिर्फ अगर एक्स एक्सिस पे रहता या तो सिर्फ वाई एक्सिस पे रहता, ठीक है, तो उस कंडीशन में आराम से निकल जाता है। अब मान लीजिए कि दो पॉइंट, ये केस का था, तो ये पहला केस था जिसमें हम लोग क्या देखे थे कि दो पॉइंट लाई कर रहा है किस पे, या तो एक्स एक्सिस पे यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे, या वाई एक्सिस पे यानी वर्टिकल लाइन पे। उस केस में हमारा काम चल जा रहा था कैसे, सिंपली सबट्रैक्ट करके, ठीक है, सिंपली किस क्या चीज करके, सबट्रैक्ट करके। तो पहला केस हमारा एराइज होता है डिस्टेंस निकालने का, कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट लाइंग ऑन एक्स और वाई एक्सिस, लाइन ऑन आइदर एक्स और वाई एक्सिस। तो उसमें हम लोग सिंपली क्या कर लेते हैं, तो इसमें सिंपली डिफरेंस निकाल लेते हैं बिटवीन देयर कोऑर्डिनेट, डिफरेंस बिटवीन, मैं शॉर्टकट में लिखना, बिटवीन देयर कोऑर्डिनेट, उनके कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट के बीच में यानी वैल्यू के बीच में, ठीक है, एक्स पे है तो एक्स है, वाई का है तो वाई का। तो ये तो ऐसा बात हुआ। तो सेकेंड केस ये ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग दो पॉइंट लेते हैं, ठीक है, दो पॉइंट लेते हैं जो लाई कर रहा है किस पे, वाई एक्सिस पे, ठीक, वाई एक्सिस पे, ठीक, पहला वाला केस था। अब एक बार क्या करते हैं, एक वाई एक्सिस पे लेते हैं, एक एक्स एक्सिस पे, मतलब ये अगर हमारे पास ग्राफ है तो एक यहाँ लेते हैं और एक यहाँ लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास है, ये कितना है, ये हमारा 0 2 और ये हमारा 2 0। इस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालना है बिना मेजर किए हुए, बिना मेजर किए हुए। तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो एक राइट ट्रायंगल फॉर्म होता दिख रहा है, थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है पाइथागोरस थ्योरम का, अभी भी आप ट्रायंगल में पढ़ के आए, तो उस कंडीशन से जी हाँ ट्रायंगल का कंसेप्ट यहाँ जरूरी है, चाहे डिस्टेंस फार्मूला में या आगे सेक्शन फार्मूला ड्राइव करेंगे सब जगह। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट लगाए, तो देखिए हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस ना, ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो हमको चाहिए क्या, ए बी। तो ए बी अभी भी कंसेप्ट लगा सकते हैं कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 2 यूनिट, ये दूरी कितनी है, उसी तरह से ये दूरी भी है 2 यूनिट, भले ही वाई पे या एक्स पे डिस्टेंस उतनी है। तो ए बी कैसे निकल जाएगा, ये ए बी में इस ट्रायंगल में अगर मैं लूँ कि इंट्रैंगल ओ ए बी, तो इंट्रैंगल ओ ए बी में हम लोग मान सकते हैं कि ए बी जो है वो एक हाइपोटेन्यूस है, और वो किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के रूट के अंदर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम तो ये बोलता है ना कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी ए बी का स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के सम के बराबर। तो ए बी क्या हो जाएगा, इसके रूट अंडर। तो ए बी सिंपली निकल जाएगा कितना,
टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा 4+4 यानी 8, तो 2√2 आंसर आ जाएगा, 2√2 यूनिट। ये तो केस का केस है, ये सेकेंड केस है कि वन पॉइंट ऑन एक्स, एक पॉइंट एक्स पे हो एंड वन पॉइंट ऑन वाई। अभी हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेट पे बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑन वाई। अब तीसरा केस ऐसा लेते हैं जहाँ पे नहीं एक्स पे है नहीं वाई पे, मतलब कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है उस पे है ही नहीं, ठीक है, तीसरा केस पे। तो तीसरा केस लेते हैं, पॉइंट्स नॉट लाइंग ऑन एक्सिस, मतलब कहीं बीच में होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं होगा। तो पॉइंट्स नॉट लाइंग ऑन एक्सिस, एक्सिस पे नहीं लाई कर रहा, तो उस कंडीशन में, ठीक है, एक्सेस प्लोरल होता है, तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, तो चलिए उस वैसे पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम और यहाँ पे एक पॉइंट है, और इस पॉइंट में ऑफकोर्स ये थोड़ा एक्स एक्सिस थोड़ा वाई एक्सिस से गया होगा, मान लीजिए ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, इधर वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ठीक है। और इसको अगर हमको एड्रेस निकालना है, थोड़ा एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट है, मान लीजिए एक रहा ये पॉइंट, ठीक, 4, 5, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये अगर ए है और ये अगर बी है तो हमको ए बी निकालना है, ठीक। कैसे निकालेंगे, तो अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे बिना मेजर किए निकाला जा सकता है, ठीक है, निकाला जा सकता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। आप अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर ले कैसे भी इस तरह का, और आपको ये दूरी आ जाए, ठीक है, ये वाला, और ये दूरी आ जाए, तो हमारा काम आसानी से बन सकता है। अब ये दूरी आएगी कहाँ से, आराम से आ जाएगी, अब थोड़ा दिमाग लगेंगे तो, ठीक है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, ये जैसे आपको देखने से लग रहा है कि ये क्या है, इसको मैं अगर ले लूँ तो ये 3 और 3 है, ठीक है, 3 3 रफली एक आइडिया ले लो। और बी कौन है, बी एक्स पे 5 है और वाई पे 1 है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये कितना निकल जाएगा, तो ये जो हमारा एक नाम दे दूँ मैं, इसको नाम दे दूँ सी, इसको नाम देता हूँ 3 वाला डी, और ये ई। तो इस कंडीशन में अगर हमको ए सी चाहिए, तो ए सी को हम लिख सकते हैं कि ये पूरा ए डी में से अगर हम डी सी को घटा दें, देखिए फिर से, अगर हमको ए सी चाहिए छोटा पार्ट, तो इस पूरा ए डी में से सी डी को अगर घटा दें तो आ जाएगा, हाँ। क्या हमको ए डी पता है, तो हाँ, ए डी तो वाई एक्सिस के बराबर है, जो वाई एक्सिस यहाँ पे कितना दिख रहा है 3, तो ये हो जाएगा 3। डी सी कितना है, तो डी सी भी इसके बराबर दिख रहा है, जो कितना है 1, तो डी सी कितना है 1। तो ए सी आ कितना गया, तो ए सी आ गया रियली में 2। तो यही तो मैं बोल रहा था कि अगर ए सी आ जाए और बी सी उसी तरह से आ जाए तो आराम से काम बन जाएगा। ए सी हमारे पास आ गया 2 यूनिट, चाहे 2 सेंटीमीटर हो या कुछ हो। उसी तरह से अगर हम इधर देखें, हमको ये निकालना है, तो इस अगर इस पूरे में से, ठीक है, इस पूरे में से, मतलब यहाँ से एक लाइन खींच लिया, उसका नाम देता हूँ एफ, इस पूरे में से क्या कर दूँ, अगर मैं इसको घटा दूँ, एफ नाम दिया, तो अगर हमको चाहिए बी सी, तो इसको क्या कर लूँ, इस पूरे में से यानी एफ बी में से हम क्या कर लें, अगर एफ सी घटा दें तो हमको क्या बी सी मिल जाएगा, समझ रहे आप, ये पूरा लाइन में से अगर मैं इस छोटे से पार्ट को घटा दूँ तो हमको मिल जाएगा बी सी, हाँ मिल जाएगा। तो बी सी निकालने के लिए एफ बी, अब एफ बी क्या है, तो अभी ये लाइन है और ये लाइन किसके बराबर है, तो जितना ये है उतना ही बराबर, यानी 5, एफ बी है 5 के बराबर। और ये कितना है, तो ये 3 तक गया हुआ, मतलब ये 3 है, 3 यूनिट, तो ये भी कितना हो गया, बी सी भी हो गया 2 यूनिट्स, ठीक है। मतलब आप देख रहे हैं कि बी सी भी आ गया 2 यूनिट, मतलब 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी। अब ये एक ट्रायंगल बन गया जिसमें अगेन वही पहला वाला केस 2 2 हो गया। अब सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये भी एक ट्रायंगल है ए सी बी नाम का, तो हमको अगर ए बी निकालना है तो अगेन स्क्वायर रूट कर देंगे, 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर यानी 4+4 यानी √8 या 2√2, तो आराम से ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक जनरल फॉर्म में देखते हैं, ऑफकोर्स एक ऐसा भी आपको मैं केस दिखाऊंगा जिस केस में, ठीक है, अभी देख ही लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहाँ है, ठीक, या यही हो यही हो, उस कंडीशन में भी आपको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, अगर ये ए है ये बी है इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में आपको डरना नहीं है, इस कंडीशन में भी आप एक परपेंडिकुलर इधर से एक परपेंडिकुलर इधर से करेंगे जिससे दोनों इंटरसेक्ट कर जाएं, ठीक है, क्योंकि आपको एक ट्रायंगल बनाना है। अब आप ये नहीं करेंगे कि इधर तो निगेटिव है, ठीक है, आप उसको घटा नहीं लेंगे, लेंथ हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, आप देखेंगे इतना इधर कितना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे -1 -2, ये है -2 और यहाँ पे ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 2 और ये है 3, तो ये जो दूरी है ये दूरी कितना हो गया अभी 3, ये दूरी कितना हो गया -2 नहीं होगा 2 ही होगा, लेंथ है ना, तो इसमें 2 ही होगा, तो 3+2 कितना हो जाएगा, ये पूरा दूरी हो जाएगा 5। उसी तरह से ये मान लीजिए ये है कितना 2 -2 नहीं 2 और ये कितना मान लीजिए यहाँ पे 4 तक आ रहा है, तो 4 2 6 ऐसे गिनेंगे, माइनस नहीं करके गिनेंगे। तो खैर हम लोग अब एक जनरल पॉइंट के लिए हम लोग निकालते हैं, जनरल पॉइंट कहने का मतलब यही जो 1 2 3 कर रहे हैं ना उसके जगह एक्स वाई डालते हैं, उस कंडीशन में हम लोग बात करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये रहा कोऑर्डिनेट हमारा सिस्टम, हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा हमारा ए
और इसका जो है उसको मैं नाम देता हूँ एक्स वन, ठीक है, और वाई वन। इसका एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू एक्स वन है, वाई का वाई वन। एक और पॉइंट लेता हूँ मैं यहाँ, ठीक है, जिसको मैं बी नाम दिया, और इसका है एक्स कोऑर्डिनेट एक्स टू, वाई कोऑर्डिनेट वाई टू। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको ए बी डिस्टेंस चाहिए। ठीक, अब देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। फिर हम लोग एक ट्रेंगल इमेजिन करेंगे कुछ इस तरह का, इधर से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे इधर से, जैसे कि एक राइट ट्रेंगल बन जाए। अब इस सबको भी जोड़ सकते हैं, सबको जोड़ सकते हैं एक इमेजिनरी लाइन से, सबको जोड़ सकते हैं। तो हमको अब एक इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप सब कुछ लिख देंगे अच्छा रहेगा, ये इधर एक्स लगाएंगे, इधर एक्स डैश, ठीक है, इधर वाई, इधर वाई डैश। ये सब लगाने के बाद आप लोग एक चीज़ देखिए कि यहाँ से यहाँ तक सबको मैं नाम भी देता हूँ, ए बी हो गया, इधर सी दे देता हूँ, इधर डी ई एफ। तो इस कंडीशन में हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ए सी, ठीक है, हमको चाहिए ए सी। तो ये ए सी कहाँ से मिलेगा, एक जनरल फॉर्म से। तो यहाँ पे देखिए ये इस पूरे ए तक, ठीक है, इस पूरे ए तक ए पे एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स वन, यानी ये जितना है वही ना ए का वैल्यू। एक्स पे कितना है, ठीक है, एक्स पे अगर वैल्यू देखेंगे तो एक्स मतलब इतना, ए पे एक्स मतलब इतना, ठीक है, यानी ओ डी के बराबर। और ओ डी एक्स पे कितना है, ठीक है, एक्स वन, यानी ये जो डिस्टेंस है आपका ओ डी वो किसके बराबर है, एक्स वन यूनिट के, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे क्या आ गया है, तो एक्स टू, क्योंकि बी पे जो है आप देख रहे हैं ये यहाँ तक, तो ये चीज़ क्या है, एक्स टू। अब अगर हमको चाहिए ये डी ई, तो अगर हम डी ई चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डी ई हमको निकल जाएगा तो बी सी भी निकल जाएगा। तो हमको अगर डी ई चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि डी ई जो कि बी सी के इक्वल है, तो डी ई निकालने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों पैरेलल है इसलिए सिंपली एक स्क्वायर जैसा आपको लग रहा है तो दोनों अपोजिट साइड इक्वल होंगे ही। तो डी ई कैसे निकल जाएगा, तो डी ई निकलेगा जब हम ओ ई में से ओ डी घटा देंगे, ओ ई में से ओ डी घटा देंगे, ठीक। अब ओ ई है क्या, ओ ई एक्स टू है, ओ डी है कितना, ओ ई ओ डी एक्स वन है, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो डी ई कितना हो जाएगा, डी ई हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन, और डी ई किसके इक्वल है, बी सी के, बी सी हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन। एक जनरल पॉइंट के लिए, जैसे हम लोग फाइव माइनस थ्री किए थे थ्री माइनस वन, वही अब फाइव और थ्री की जगह एक्स टू एक्स वन के रूप में आ गया। उसी तरह से ए सी अगर हमको निकालना है तो ए सी किसके बराबर है, ए सी बराबर है जी एफ के या एफ जी के, तो उसी तरह से ए सी जो है वो जी एफ के बराबर है। और ये कितना है, तो देखिए यहाँ से जीरो ओ से जी तक कितना वैल्यू है, वाई टू, ओ से इतना तक नहीं वाई वन, ठीक है, ये पूरा यहाँ इस हाइट तक आने के लिए वाई वन, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वाई टू, ठीक। तो अगर हमको निकालना है जी एफ, तो ये कैसे निकलेगा, तो ये पूरा इसमें से ओ जी में से हम अगर ओ एफ को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा जी एफ, और जी एफ मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा, हमको ए सी भी मिल जाएगा, ठीक। तो हम लोग अगर जी एफ निकाल लेते हैं एफ जी, तो वो कितना हो जाएगा, ओ जी, ओ जी है क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक दूरी है क्या वाई वे, वाई वन, ठीक है। और ओ एफ कितना है, तो ओ एफ यहाँ से यहाँ तक की वाई की दूरी, जो कितना है आप देख सकते हैं वाई टू, वाई वन माइनस वाई टू। तो हमको ए एफ मिल गया, हाँ जी एफ मिल गया, जी एफ मिला तो ए सी भी मिल गया, वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है। आपको चिंता नहीं करना, इसमें एक्स टू माइनस एक्स वन आया, इसमें वाई टू माइनस वाई वन आया, वाई वन माइनस वाई टू आया, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमको रियली में ए सी और बी सी से बात ही नहीं करना है, हमको तो उसके स्क्वायर से बात करना है। अब देखिए सिंपली ए बी जो है, ए बी का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होगा, बी सी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के, ठीक है, किसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब ए बी का स्क्वायर यानी ए बी कितना हो जाएगा, रूट अंडर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर होगा, स्क्वायर इधर से हटता है तो स्क्वायर रूट आ जाता है। अब देखिए हमारे पास टू हो या माइनस टू हो, दोनों का स्क्वायर करने पर कितना होगा, फोर ही ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि वाई टू माइनस वाई वन हो या वाई वन माइनस वाई टू है, कोई टेंशन नहीं लेने का, दोनों को सिर्फ घटाने का। तो ए बी कितना हो जाएगा, बी सी, बी सी कितना है, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, ठीक है। ए सी कितना है, वाई टू माइनस वाई वन या वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। अगेन इसमें कोई चिंता नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी जो हो गया वो कितना हो गया हमारा, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, समझे ना, होगा टू माइनस थ्री है, ठीक है, टू माइनस थ्री है, समझिए आपको आपके पास यहाँ वाई वन है फाइव, ठीक है, आप मान लीजिए वाई वन है फाइव और वाई टू है थ्री, तो फाइव माइनस थ्री टू, टू का स्क्वायर भी फोर। और अगर मान लीजिए वाई टू माइनस वाई वन निकालते हैं, उस केस में भी वाई टू थ्री माइनस फाइव जो कितना आ जाएगा, माइनस टू, और माइनस टू का भी स्क्वायर कितना, फोर। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना, वाई टू माइनस वाई वन या वाई वन माइनस वाई टू दोनों सेम रहेगा, ठीक। अब चलिए एक ऐसा ही मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, देखना है कि डिस्टेंस कितना आता है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला से हमको एक क्वेश्चन से डिस्टेंस निकालना है, ठीक। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है
कि दो कोऑर्डिनेट है, क्वेश्चन है ए, ए का वैल्यू है 12 और 3, ठीक है, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 9 और 6, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बोला है कि फाइंड ए बी, तो फाइंड ए बी, ए बी जहाँ आपको आता है तो आप कैसे लिख देंगे कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अगेन आप x2 माइनस x1 भी पहले लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 भी, क्योंकि एडिशन जो है कम्यूटेटिव है, तो आप फ्लेक्सिबल है, जितना अच्छा है जैसे लिख सकते हैं उतना फायदा है ना। तो x2 माइनस x1, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा x1, ये हमारा है y1, ये हमारा है x2, ये हमारा है y2, पहला वाला x होता है, ठीक है। तो देखिए x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 12, तो 9 माइनस 12 का स्क्वायर रूट में, प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर, कितना आ गया 9 माइनस 12 यानी माइनस 3 का स्क्वायर, और 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर, कितना हो गया रूट अंडर 9 प्लस 9, जो कितना हो जाता है रूट अंडर 18, 18 मतलब 3 और रूट 2, 3 जा 9 और रूट 2 यूनिट, तो आराम से डिस्टेंस आ गया। आपको इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको वर्टेक्स दे देगा, जैसे यहाँ पे मैंने दो दिया ना, उसी तरह से तीन चार वर्टेक्स दे देगा, और आपको चेक करना रहेगा कि क्या ये जो वर्टेक्स है वो स्क्वायर का है, ठीक है। तो स्क्वायर का है, उसके लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपको ए बी सी और डी दिया हुआ है चार पॉइंट, और ए बी सी डी से आपको चेक करना है कि क्या ये वर्टेक्स स्क्वायर का है। मान लीजिए कि ए दिया हुआ है 1 3, बी दिया हुआ है 2 4, सी दिया हुआ है 6 7, ठीक है, डी दिया हुआ है कुछ भी 4 8। अब आपको चेक करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं, तो स्क्वायर अगर होगा तो ए बी सी डी जब बनेगा फिगर, तो इस कंडीशन में स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी होता है, एक सिंपल कि सारे साइड इक्वल होते हैं, ए बी बी सी सी डी और ए डी इक्वल होगा, ठीक है। हाँ, तो आपको यही चेक करना है, तो ए बी तो आप निकाल सकते हैं ना, हाँ मेरे पास ए का लोकेशन है, बी का लोकेशन है, तो ए और बी का लोकेशन जब है तो एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, अगेन आपको ये चिंता नहीं करना है कि एक्स टू मैं किसे लूँ, आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, मैंने बताया ना 2 माइनस 3 करें फिर भी माइनस वन आता है, और माइनस वन का स्क्वायर करने पर वन ही आता है, और 3 माइनस 2 करें फिर भी वन आता है, और वन का स्क्वायर करने पर वन ही आता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि किसको एक्स टू किसको एक्स वन मानो, ठीक है। पर हाँ ये बात सही है कि पहला वाला हमेशा एक्स ही होगा, चाहे वो एक्स वन हो एक्स टू हो कुछ हो, तो इस कंडीशन में ए बी आपको निकल जाएगा, ठीक है, ए और बी, उसी तरह से बी सी भी निकल जाएगा, क्योंकि बी का भी आपको लोकेशन रहेगा, सी का भी, इस कंडीशन में एक्स टू ये हो जाएगा, एक्स वन ये, या यही एक्स टू हो जाएगा, यही एक्स वन, उसी तरह से बी सी सी डी ए डी सब निकाल दीजिए, देख लीजिए अगर सब इक्वल है मतलब स्क्वायर है, नहीं इक्वल है तो स्क्वायर नहीं है। अगर ये वाला अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है मतलब रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं सिंपली। ये तो हुआ दो तरह का इसका एप्लीकेशन। उस तरह से एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपको इससे बन सकता है कि बोल देगा एक्स वाई, देखे कि एक्स वाई एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है किसी दो और पॉइंट से, तो उसका वैल्यू निकालो। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ एक क्वेश्चन, और यहाँ शायद पानी लगे, चलिए कोई बात नहीं। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मान लीजिए कि एक पॉइंट आपको वाई एक्सिस पे निकालना, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट निकालना है विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझते हैं ना, इक्वल डिस्टेंस, जो इक्वी डिस्टेंस पे है, बराबर डिस्टेंस पे है, किसके किसे, तो फ्रॉम फ्रॉम ए जिसका वैल्यू है 4 3 मान लीजिए कुछ भी, एंड बी जिसका है -6 5, ये तो आपके पास क्या बोला, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है, ठीक है, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है, वाई एक्सिस पे, अगेन मैं बात करूँ आपको, वाई एक्सिस पे पॉइंट है मतलब एक्स कितना होगा 0, तो इफ पॉइंट इज इन वाई एक्सिस, आप एक लाइन लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन, ए पॉइंट इज इन वाई एक्सिस, पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे है, तो उसका कैसा होगा, एक्स 0 होगा और वाई का कुछ वैल्यू होगा, वाई 2 हो 3 हो, एक्स हमेशा 0 ही होगा, तो उस कंडीशन में ये एक पॉइंट है। अब इसी पॉइंट से क्या है, ए बी और बी भी बराबर दूरी है, मतलब ए इधर होगा बी इधर होगा, हो सकता है या ए ही इधर हो बी इधर हो, ठीक है, मतलब बराबर दूरी है, कहने का मतलब, यानी ये अगर मैं इसको मान लूँ, ये ओ इसको ए मान लूँ, तो इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, ठीक है, अच्छा ए बी दिया हुआ पहले से, तो ये अगर ए है हमारा, ये बी है, और इसको मैं सी मान लूँ, तो सी ए और सी बी क्या है, इक्वल, ये हमको सी का लोकेशन मिला है, ठीक है, और हम यहाँ से देख सकते हैं ये अगर सी है तो यहाँ से बी और यहाँ से ए दोनों इक्वल है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको क्या दिया हुआ है, ये सी से सी जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब बराबर दूरी है, कहाँ से, ए से भी और बी से भी, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या, उस कंडीशन में हम लोग सिंपल से केस लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ए सी इक्वल टू बी सी कर देंगे, ठीक है। अब ए सी कहाँ से निकलेगा, इसके लिए ए का और सी का कोऑर्डिनेट चाहिए, ए का कोऑर्डिनेट है ये 4 3, सी का क्या कोऑर्डिनेट है, सी का कोऑर्डिनेट है 0 0, हमको चाहिए ए सी, तो ए सी कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू यहाँ कौन है, अगर मान लीजिए 0 है तो 0 माइनस 4, ठीक है, ऑफकोर्स आप 4 को भी मान सकते थे, प्लस वाई टू माइनस वाई वन यानी वाई माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक, ए सी ये निकला। बी सी उसी तरह से कैसे निकलेगा, तो बी का कोऑर्डिनेट माइनस सी का, तो बी कितना है -6 5, और सी कितना है 0 बाई,
तो कैसे निकाल जाएगा, माइनस सिक्स माइनस ज़ीरो, तो माइनस सिक्स माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, और प्लस फाइव माइनस वाई का स्क्वायर, फाइव माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक। ये दोनों आप चूंकि ए सी और बी सी इक्वल है, दोनों कंडीशन पहले से दिया हुआ है, तो दोनों का लिख देंगे। ये फोर का स्क्वायर कितना हो गया, रूट अंडर सिक्सटीन, प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर, इसको हटा दीजिए, अभी नहीं तोड़िए, इसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा माइनस सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, प्लस फाइव माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक। आप देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके आप इसको इसको खत्म कर सकते हैं, आप सिंपली बन जाएगा ना आपको, ठीक है। अब बन जाएगा, नहीं बन जाएगा तो देखिए इधर ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दे सकते हैं, यहाँ पे a कौन है y, तो ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी 9, माइनस टू ए बी यानी माइनस टू थ्री जा सिक्स वाई, इधर क्या हो जाएगा 36 प्लस फाइव माइनस वाई का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस फाइव टू जा टेन वाई। अब यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 16 प्लस 9 25 माइनस, इसको मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, इसको 36 और 25 कितना हो जाएगा, तो 36 और 25 आपका हो जाएगा 61, तो ये हो जाएगा इधर, तो माइनस 61 ये कितना हो जाएगा, इधर था ही माइनस 10y और ये इधर और आ गया, तो प्लस 6y, ठीक। तो ये कितना आ गया, अब ये आ गया माइनस 4y, तो माइनस 4y किसके इक्वल है, 25 में से 61 घटा देंगे अगर, तो क्या आ जाएगा, ठीक। या ऐसे ही कट ही कर सकते हैं ना डायरेक्ट, 25 से ये 25 कैंसिल कर देते, तो कितना बचा 36, ठीक। तो माइनस 4y कितना आ गया, माइनस 4y आ गया 36, तो y कितना आ जाएगा 36 बाई माइनस 4 यानी माइनस 9। तो आप देख सकते हैं कि वो पॉइंट क्या होगा, 0 माइनस 9, ठीक है, 0 माइनस 9। उसी तरह से अगर x एक्सिस भी बोल देता तो उस कंडीशन में x का कुछ वैल्यू होता है, y का नहीं। कभी कभी बोल देगा कि कोई पॉइंट है सी एक्स वाई, ठीक है, और वो इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से, तो आप रिलेशन निकालिए, उस टाइम आप वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे, उस टाइम आप रिलेशन जरूर निकाल पाएंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक्सरसाइज 7.1 अब आसानी से आपको पूरा सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको किसी भी जगह से या किसी भी टॉपिक से इसमें दिक्कत हो, या किसी भी बुक का आप क्वेश्चन बना रहे हैं कहीं फंस रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको उससे अपडेट दे दूँ, उसका सॉल्यूशन आपको थ्रू वीडियो।